ये झंगरे वाला है, तो आज बन रहा है पलियो। ये है देखो छाछ मट्ठा, तो अभी ये गर्म हो रहा है। डाना नागर साहब मंदिर से थोड़ा आगे सुरपुर की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे मम्मी भी है मेरे साथ में, तो मम्मी जी ने यहाँ पे कुछ बताया है, पहले आपको मैं दिखाता हूँ, मम्मी से ही जानकारी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बड़ा पत्थर है ना जो दिखाई दे रहा है, सर ये सामने वो वाला पत्थर है, ये बहुत बड़ा पत्थर है ये वाला। हाँ, इसके नीचे गाँव है, ये पुराने किस्त्री लोगों से मैं सुना कि इस पत्थर की पूजा होती है कभी। अच्छा, ये गांव दिख रहा है, ये जो नीचे गांव है, गांव का नाम क्या है? ये मरोड़ा है, मरोड़ा गांव। मरोड़ा गांव इसका नाम है, टेढ़ी मरोड़ा, ये बनेल सिंह में आता है। तो हाँ, पत्थर की पूजा करते हैं कि कभी ये पत्थर ना नीचे गिर जाए, ये गिरेगा तो सारा गाँव दब जाएगा, इसके कारण इसकी पूजा होती है। ये भगवान की लीला है कि इस पत्थर की जब पूजा होती तो ये पत्थर बिल्कुल हिलता भी नहीं है। अच्छा, ये वाला पत्थर, ये सामने वाला पत्थर दोस्तों, जो ये पत्थर है ना, ये दिख रहा है ना आपको, चट्टानी है ये पूरा, बहुत बड़ा पत्थर है, विशालकाय पत्थर बोलते हैं इसको। और ठीक इसके नीचे गांव है, ये गांव दिख रहा है आपको, इस गांव का नाम है मरोड़ा। तो क्या होता है कि लोग ना पहले क्या करते हैं, लोग ना इसकी पूजा करते हैं पत्थर की, तो इसलिए करते हैं कि कभी अगर ये भविष्य में ये पत्थर इस गांव में ना आए, अगर ये पत्थर अगर इस गांव में गिर गया तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं इस पत्थर की पूजा करते हैं। हाँ, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम से 5:30 बजे से, और मैं अभी जो ब्लॉग मैंने समाप्त किया था डांडा नागर का जो मेला था, उसके बाद ही मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और मैं अभी रुका हूँ बैड़ा खाल से नीचे है मूलगढ़ गांव, यहाँ पे मामा जी का घर है, तो वहाँ पे थोड़ा रुका हूँ, और इसके बाद यहाँ से चलते हैं सीधे। आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे, वो देखो नदी दिख रही है वहाँ पे पीछे, तो वही रास्ता जाता है हमारे यहाँ के लिए, बाड़ियों के लिए। इधर गांव हो गया, इधर यहाँ पे मामा लोगों ने यहाँ पे खेती बाड़ी कर रखी है, ये उनका घर है यहाँ पे अच्छा सा, यहाँ पे पानी का स्रोत हो गया, ये पानी है, यहाँ पे उनका खेत है इस तरफ, देखिए उन्होंने यहाँ पे खेती बाड़ी कर रखी है, यहाँ पर कोई प्याज लगा रखे हैं, लहसुन लगा रखे हैं, बीन्स लगा रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे उनका घर है। ये घर यहाँ पे बिल्कुल अकेले जगह में है, तो यहाँ पे केवल मामा और मामी ही रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता यहाँ पे, बिल्कुल अकेले जगह में। मूलगढ़ गांव है, देखो पूरे जंगल एरिया में बिल्कुल अकेले में रहते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे पानी है, पानी बिल्कुल ठंडा है, यहाँ पे पानी आता है यहाँ पे नल में, ठंडा पानी है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ठंडा पानी। इधर यहाँ पे केले के पेड़ हो गया, यहाँ पे ये टैंक है बिल्कुल, देखो ये पूरा भरा, ये भरा हुआ है देखो, और उधर तो आपको देखो ये दिख रहा है, ये नदी दिख रही है यहाँ से, ये नयार नदी हो गई, ये देखो तो वही जाना है हमने, अभी उसी रोड पे जाना है हमने, और वो गांव दिख रहा हुआ है, देखो डॉगी भी है यहाँ पे, देखो गौड़ पले है ना, गौड़ पले बुबा, अच्छा ये कौन था, ये दूधा की है। हाँ हाँ, सही बात, ये गाय पाल रखी है यहाँ पे, दुनिया भर देखो, अपन सही बात, सही बात, ये पांच होगी, गाय पाल रखी है, बहुत सारी गाय है, तो चलो दोस्तों सीधे चलते हैं आप घर बाड़ियों, फिर मिलता है आपसे बाड़ियों में। दोस्तों अपने घर के पास में पानी का धारा है, बस कड़ी धारा, यहीं पर गाँव, तो जो ठंडा जल पानी है हमारे यहाँ का, ठंडा पानी है इधर से, तो उधर वहाँ से वहाँ पे भी है पानी, ठंडा पानी स्रोत, शुद्ध ठंडा पानी, ये पूरा यहाँ से आ रहा है अंदर से, देखिए पूरा स्रोत का पानी है, तो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल प्योर नेचुरल पानी, ये हमारा पहाड़ों का। अभी दोस्तों अंधेरा हो गया है और मैं हूँ अभी अपने घर बाड़ियों में, और काफ़ी अंधेरा हो गया है, और मम्मी बना रही है अभी खाना चूल्हे में, तो यहाँ घर में ऐसे ही है कि चूल्हे में खाना बनता है, और चूल्हे का जो खाना क्या है रोटी, तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगता है, चूल्हे की रोटी कहाँ मिलती है यार, शहर पीछे गाड़ी जा रही है, शहरों में तो कहाँ मिलती है, पर यह कि घर की जो है ना चूल्हे की रोटी, वो खाने का भी मज़ा कुछ और है। देखते हैं आज मम्मी क्या बना रही है आज, और मम्मी यहाँ चूल्हे में आज खाना बन रहा है, ये देखो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा,
तो आज ये ऊपर पीछे केतली रख दी है और ये कढ़ाई है, तो इसमें आज बन रहा है दोस्तों मच्छी। तो मच्छी बन रहा है और ये केतली है, इसमें गर्म पानी है। तो आज दोस्तों मच्छी खाएंगे। अरे चोला, अभी दोस्तों मम्मी ने यहाँ पे आटा मैश कर लिया है और मम्मी अब बना रही है रोटी। और सीधे इसमें यहाँ पे चूल्हे में रख दिया है तवा, तो तवा यहाँ पे गर्म हो रहा है। और ये देखो चूल्हे में डाल दिया है नीचे, अब ये कोयले में पकती रहेगी। देखो पक गई है, बन गया ढोल। वही तो, ये देखो चूल्हे की रोटी, कहाँ मिल रही है चूल्हे की रोटी खाने। तो अभी दोस्तों ये मच्छी का साग हो गया, ये चावल हो गए और इधर ये बन गई है रोटी, गर्मा गर्म रोटी। और ये देखो मच्छी। तो चलो दोस्तों पहले खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों खाना भी खा लिया है और अंधेरा, काफ़ी अंधेरा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब सीधे आराम करते हैं, सोते हैं अभी और आप लोगों से कल मिलते हैं, कल सुबह। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल चाल है, एक नए दिन की शुरुआत है और अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह चाय गिलास में भर भर के, स्टील के गिलास में। और गांव में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ठंडा बहुत है गांव में अभी सुबह सुबह। और सूर्यदेव जी के दर्शन तो अभी यहाँ लेट होंगे, पर पहाड़ों में धूप आ गई है उस पर। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट से दिन की शुरुआत। अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है, तो आज मम्मी बना रही है। आज ये काली कढ़ाई रख दी है मम्मी ने और इसमें क्या है, छाछ। इसमें दोस्तों छाछ है, तो आज बन रहा है पल्यू। पल्यू बन रहा है ना आज, गढ़वाली भाषा में पल्यू बोल दी, छचिंडा बोलते ना वैसे, पर हमारी जो गढ़वाली भाषा है उसमें बोलते हैं पल्यू। तो आज पल्यू बन रहा है और ये है दोस्तों झंगरियाल, ये देखो ये झंगरियाल है। तो आज बन रहा है पल्यू, ये है देखो छाछ मट्ठा। तो अभी ये गर्म हो रहा है और नीचे देखो आग जल रही है चूल्हे में, तो चूल्हे में बन रहा है नाश्ता। ये देखो अब मम्मी ने इसमें झंगरियाल मिला दिया है, ये देखो नहीं मिल जाने ना, इसको ऐसे पकाएंगे। अच्छा इसे ऐसे मिलाएंगे, नवा मर्च कुछ नहीं डन। अच्छा भाई इसको ऐसे ही, भाई ऐसे ही ये मिल जाएगा इसमें। ये देखो दोस्तों, ये देखो थड़बड़ 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 कर रहा है, देखो ये बन गया है पल्यो। ये देखो पल्यो बन गया है, ये अब मम्मी ने रख दिया उसको किनारे, अब यहाँ पे रख देगी मम्मी तवा, अब इसमें बनेगी रोटी, चूल्हे वाली रोटी। ये देखो दोस्तों ये बन गया देखो पल्यो। ये देखो दोस्तों ये लग गई है थाली पल्यो, और साथ में ये देखो ये है पिसा नमक, ये नमक, ये नमक अगर इसमें मिल जाए तो फिर पल्यो की उसमें खाने में बात ही कुछ और है। ये देखो साथ में है सब्जी और रोटी, ये घी वाली रोटी। चलो नाश्ता करते हैं। तो और इधर ये वाले भी है, देखो क्या बोलते हैं रात चांदनी वाला फूल, ये देखो। तो मैं हो गया हूँ रेडी और टाइम भी काफ़ी हो गया है, धूप खिली हुई है मस्त और मैं तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस कोटद्वार, सामान भी मैंने पैक कर दिया है और गाड़ी भी रेडी है, फिर निकलते हैं कोटद्वार। ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको तीनों ब्लॉग मेरे मेले के, दो ब्लॉग आपको मेले के और ये ब्लॉग गांव का आपको पसंद आया होगा। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।